भिक्षु बनने का महत्व या कारण जो भी है वो पूछता है। उसमें एक तो समाधि वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछा है, जैसे सुपरनेचुरल पावर के बारे में पूछता है। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर भिक्षु बनने का यही है क्या मतलब, उनका कहना है कि दिव्य चक्षु पाने के लिए, दिव्य सूत्र पाने के लिए यही है क्या कारण। और उसमें बताते हैं कि सिर्फ दिव्य चक्षु मिल गया तो दिव्य सूत्र से भी काम चल जाता है क्या, ऐसे पूछता है। तो बुद्ध बोलते हैं नहीं, दिव्य चक्षु अगर आपको मिल जाता है तो सिर्फ दिव्य चक्षु का ही काम करेगा, दिव्य सूत्र का काम नहीं करेगा। दिव्य सूत्र का काम तभी करेगा जब उनके ज्ञान आएंगे, तो ऐसे करके बताते हैं। फिर उनको महाली को समझाता है, महाली जब पूछता है तो कि यही है क्या आपकी शिक्षा समाधि के लेवल जो भी है, तो बुद्ध बोलता नहीं, इससे भी और अधिक है, जिसको हम प्रज्ञा के लेवल बोलता है। इसमें समाधि के बारे में थोड़ा व्यापी जो बताया है, उसके बाद जो निर्वाण के साक्षात्कार के बारे में, जिसको हम प्रज्ञा के लेवल बोलता है, ज्ञान के लेवल जो भी है, और उसके बारे में बताया है कि पहला जो स्टेप है वहाँ से लेके निर्वाण पाने तक या अरहत के स्टेप तक आप सबको पता है, जो पाली में हम कहते हैं कि सोतापत्ति सकदागम्य अनागम्य अरहत, जो भी चार स्टेप है उसके लिए यहाँ पे जो बताया है कि एक व्यक्ति ध्यान साधना करके निर्वाण के रास्ते के लिए साधना करके सिर्फ सुपर नेचुरल के लिए नहीं है, सिर्फ निर्वाण के लिए अगर कोई साधना करता है और कुछ ऐसे जो अवगुण हैं जिसको वो टोटली अपरूट कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है, वो व्यक्ति क्या बनता है और उनसे जो चीज़ है वो जड़ से उखाड़ के फेंक देता है और उस लेवल को पा जाता है। ऐसे करके जो चार पांच स्टेप है यहाँ पे बताते हैं, जैसे सोतापत्ति जिसको हम धर्म के स्वरूप में पड़ जाता है, निर्वाण के स्वरूप में पड़ जाता है, ऐसे बोलता है, जो साधारण व्यक्ति नहीं है वो अभी निर्वाण के रास्ते में आ जाता है, स्रोत में पड़ जाता है, जिसको हम सोतापत्ति बोलते हैं। वो निर्वाण पाना ही है उनको, किताब की जो कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस जन्म में अगर नहीं पाया उस लेवल तक, तो आगे खत्म हो जाता तो नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा सात जन्म तक ले सकते, ऐसे बोलता है किताबों में। तो इसमें जो सोतापत्ति लेवल में है, तीन चीज को जिसको हम बाधाएं बोलता है, जो निर्वाण को पाने का बाधा करता है, निर्वाण के रास्ते में बाधाएं देता है, वो तीन चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। वो तीन चीज़ क्या क्या है, सक्कायदित्ति विचिकित्सा शिलाबद्ध परामर्श, ये जो तीन चीज़ है उसको जड़ से उखाड़ फेंक देता है, उसके मन से उखाड़ फेंक देता है, पूरा खत्म कर देता है। सक्कायदित्ति, इसको अहंकार भी हम कह सकते हैं, मैं जो भाव है, मैं मेरा मेरा जो भाव है, उनके अंदर कुछ भी नहीं, वो पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, मैं मेरा मेरा भाव नहीं रहेगा उनके अंदर। और वो चिकित्सा सिंपल सी बात में बोले तो दावत संदेह, किसकी प्रति, ज्ञान की प्रति, चार आर्य सत्य के प्रति, आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रति, आप कह लो या बुद्ध धम्म संघ के प्रति, जो उचिकिच्छा है, डाउट हो जाता है। मान लीजिए आपको कुछ शिक्षा पालन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देता है, और आप उसको प्रैक्टिस करते करते शायद कभी कभी मन में ये भी डाउट आ सकता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं तो फलाना प्रैक्टिस कर रहा था, अभी यहाँ पे आके मैं फंस गया तो नहीं, वगैरह वगैरह, ऐसे जो आना मन में डाउट आना, संदेह पैदा होना। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बुद्ध धम्म संघ के प्रति संदेह होना, ऐसे बात कहते हैं। शिलाबद्ध परामर्श, जो दूसरा तीन नंबर जो है, शिलाबद्ध परामर्श जो है, ये जो कुछ भी हम करते हैं
उसके लिए दिखावा नहीं करता कि नाम कमाने के लिए कुछ भी देता, कुछ भी करता, कुछ भी बोलता, तो नाम कमाने के लिए कोई करता है ना, ऐसे नहीं करता वो। करता है तो करता है, ध्यान से करता है, ज्ञान से करता है। इस चीज को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किसके लिए करना है, क्या फायदा है, जान के करते हैं अच्छा तरह से, दिखाओ के लिए नहीं करते। उसके अंदर वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। कुछ देता है तभी उनकी कल्याण के लिए देता है, कि मुझे नाम कमाने के लिए या दिखावा के लिए नहीं देता है। शायद हम लोग ऐसा भी करता है दिखावा के लिए भी। तो ये तीन चीज एकदम जड़ से करके देता, उनके मन में कभी नहीं आई है। वो जो है धर्म के स्रोत में पड़ जाता है, निर्वाण के स्रोत में पड़ जाता है, उसको श्रद्धापति हम कहते हैं। फिर उसके बाद सकदागामी है। सकदागामी जो है और दुष्टदेव को आप्रोट नहीं किया लेकिन उसको दमन कर सकते हो। तीनों को तो कर देता है, उसको करने के बाद और दो जो संयोजन है, फैटर जिसको हम बोलते हैं, उस संयोजन को दबा देता है, दमन कर देता है, इतना दमन कर सकता है। उसके बाद अनागामी पहुँचते पहुँचते ये पांच जो संयोजन है उसको पूरा खत्म कर देता है। फिर आराध होते होते दस संयोजन जो है उसको खत्म कर देता है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, ये निर्वाण रास्ता पाने के लिए ये जो है बुद्ध ने उनको बताया था महाली को कि ध्यान साधना करते करते इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या खत्म कर देता है एक व्यक्ति के मन मन से, जो नेगेटिविटी हम बोलते हैं, राग द्वेष लोभ जो भी है वो बोलते हैं। उसके बाद इसमें और थोड़ा सा ब्रीफली बताया कि मार्ग क्या है और किस मार्ग पर चलना चाहिए। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप लोग सुना है आज के इस विषय में। उसके बाद निर्वाण के साक्षात्कार के उपाय जो हम सुनते आए हैं हमेशा, हम लोगों को पता है उपाय इसके अलावा और कुछ नहीं है, जिसको आप कहते हैं सील समाधि ज्ञान। इसको एकदम संक्षेप में बताते हैं उनको, वो समझ जाता है जो महाली या उनके साथी जो भी आए हैं वो समझ जाता है सील को कैसे पालन करना चाहिए, क्या है थोड़ा सा ब्रीफली, समाधि क्या होना क्या है, कैसे पालन करना चाहिए थोड़ा सा, फिर ज्ञान के बारे में प्रज्ञा के बारे में बताते हैं। और वहीं पर भगवान बुद्ध उन लोगों को उपदेश दे के समाप्त करते हैं उनकी जो भाषण भगवान बुद्ध की वाणी जो भी है, और हम लोग अभिवादन करके चले जाते हैं। यह वो महाली सूत्र जो दिगनिकाय के छह सूत्र हैं। अगले हम जो सूत्र करेंगे शायद जालिया सूत्र होंगे, सातवां नंबर हम देखेंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पे महाली सूत्र में ये जानकारी मिला है कि एक प्रव्रजित जो कोई भी होता है, प्रव्रजित तो अलग अलग संप्रदाय में प्रव्रजित है लेकिन ये बुद्ध की शिक्षा के इसमें प्रव्रजित होने वाला उनकी मेन जो लक्ष्य है, उनके लक्ष्य जो है निर्वाण है। जब हम प्रव्रजा ग्रहण करने जाते हैं उस समय ऐसे पाली में कुछ गाथा बोलता है, पाली का जो गाथा है उनकी मीनिंग के अनुसार अगर हम देखें कि प्रव्रजित होने का मेन जो मकसद है क्या है, वो मेन मकसद निर्वाण को साक्षात्कार करने का है। उसमें सब दुख को मतलब खत्म कर के निर्वाण को पाने का, दुख को खत्म करना निर्वाण को पाने का ये बताता है जो प्रव्रजित होने का। तो यहाँ पे महाली सूत्र में भी ऐसा नहीं है कि आप प्रव्रजित हो गया तो आपको रिद्धियाँ पाने के लिए नहीं या और कुछ पाने के लिए, सिर्फ पाना है तो क्या है आपको निर्वाण के रास्ते को पाना, निर्वाण को दर्शन करना, साक्षात्कार करना, अनुभव करना, जीवित ऐसे है। तो ये हमने जाना है। उसके बाद समाधि के बारे में या आसन के बारे में, समाधि के बारे में या प्रज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत हम जाने हैं। तो ये कुल मिला के इसमें ब्रीफली है बुद्ध की शिक्षा हम कह सकते हैं सिल समाधि ज्ञान, क्योंकि इन लोगों को समझाने का तरीका भगवान यहाँ पे लिया है कि सिल समाधि ज्ञान वो भी ब्रीफली, और उन लोग समझदार थे इसलिए ये सीधा उनको सिल समाधि ज्ञान से समझाया। अदरवाइज किसी किसी को क्या बोलता है
अगर वो समझने का लायक नहीं है सिल से, तो उससे पहले से शुरू करता है दान कथा से, अनुपूर्व कथा जो होता है ना, अनुपूर्व कथा क्या है उसमें दान कथा से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे करके शील भैया और किसी किसी को उससे भी आगे श्रद्धा से, श्रद्धा क्या होता है, कैसे होना चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा उसके बाद दान आता है, उसके बाद सिल, ऐसे करके सीक्वेंस और भी अलग अलग सीक्वेंस करके बताता है, जैसे श्रद्धा सीला दाना चागा ऐसे भी सीक्वेंस मिलता है लोगों को समझाने का। श्रद्धा दाना सीला चागा, देखो पहले श्रद्धा है उसके बाद दाना था उसके बाद सील उसके बाद चागा उसके बाद पहिया, ऐसे करके जो सीक्वेंस है अलग अलग सीक्वेंस जो भगवान लोगों को देख के बताते हैं। तो यहाँ पर भी ये महाली या उनके और जो भी साथी आए हैं उन लोग को सिल के बारे में भी बिल्कुल, समाधि के बारे में बिल्कुल, ज्ञान के बारे में बिल्कुल, और उन लोग समझ जाता है धर्म को अच्छा तरह से। तो हमें भी हम लोग तो अभी सिर्फ क्या बोलता है कुछ जानकारी के लिए ये किताब पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस जानकारी को अपने जीवन में 10 बात में से 1 बात को भी आप उतारने के लिए प्रयास करेंगे तो आपके लिए कल्याण ही होगा। आप कल्याण कभी नहीं हो सकता जिसमें 4 आर्य सच की जो बात है, सिर समाधि ज्ञान की जो बात है, उसमें आप कोई भी लाइन कोई भी एक गाथा लेके अगर पालन करेंगे तो आप असफल नहीं होगा, सफल ही होगा, निर्वाण की रास्ता मिलेगा एक ही लाइन को भी, है ना। बुरा मत करो, अच्छा करो, मन को परिशुद्ध करो, ये को ये चीज को भी अगर आप लेके पालन करके जाओगे जीवन में निर्वाण पाएंगे अवश्य। पूरा त्रिपिटक पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा किताब कंठस्थ करने का जरूरत नहीं है, पूरा त्रिपिटक कंठस्थ करेंगे आप एक लाइन का भी पालन नहीं करेंगे, बुरा करेंगे, ये विचार करेंगे या युद्ध बोलेंगे और कुछ करेंगे, मन को परिशुद्ध नहीं करेंगे तो निर्वाण के रास्ता नहीं मिलेगा। निर्वाण के रास्ता मिलेगा तो ज़्यादा नहीं है, ये 3 बातें हैं, खराब मत करना, अच्छा करना, मन को परिशुद्ध करना, निर्मल मतलब नेगेटिव को पूरा दूर करना मन से, यही है बुद्ध की जो मेन शिक्षा। तो आज और ज़्यादा ना कहते हुए आज के इस धम्म सभा में जो जो उपासिका आए हैं हमको बुद्ध धम्म समूह की ओर से मंगल कामना करते हैं, सुख की कामना करते हैं, आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, सबका स्वास्थ्य रहे, निरोगी हो, और हम तहे दिल से मन से सजगता के साथ संसार में जितना भी प्राणी हैं, जितना भी जीव प्राणी हैं उनको हम मंगल कामना करेंगे कि दुखी से छुटकारा मिले, दुख से छुटकारा मिले, ऐसे करके हम मंगल कामना करेंगे सब लोग मिलकर। सबे सर्वा सुखी हंतु सबे जगे मिनु सबे